पूरी दिल्ली बंद। क्यों? क्योंकि साथियों दिल्ली में लगातार सुबह से तेज भारी बारिश हो रही है और दिल्ली में भारी बारिश के चलते हुए यमुना नदी एक बार फिर से खतरे के निशान पर है। जी हां, आपको बता दें कि दोस्तों भारी बारिश के चलते हुए इस तरह से सड़कें तालाब बन गई है कि दिल्ली से निकलना, घरों से बाहर निकलना भी साथियों मुश्किल है। इसीलिए दिल्ली के बाजारों भी बंद है, स्कूल कॉलेजों को भी दिल्ली में बंद कर दिया गया है। दिल्ली से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दिल्ली NCR में बुधवार सुबह से जमकर बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली के मंडी हाउस से लेकर रिंग रोड तक और नोएडा के कई इलाकों में बारिश के चलते हुए सड़कों पर पानी पानी हो गया है। सड़कें दिख नहीं रही है, कहां पर सड़कें हैं और कहां पर रास्ता है। ऐसे दिल्ली में लगातार बारिश का अलर्ट जारी कर रहा है। खतरनाक हालत को चलते हुए जी हां, बुधवार और गुरुवार के लिए खतरे वाले क्षेत्रों में सभी जगह स्कूल और कॉलेजों की छुट्टियां कर दी गई हैं। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के चलते हुए दिल्ली में अभी भी अगले 5 दिन तक अलर्ट जारी कर रखा है। नोएडा सेक्टर 18 में बारिश के चलते सड़क पर पानी भर गया। नई दिल्ली में सुबह बारिश के चलते जलभराव हो गया है। मंगलवार को गाजियाबाद के न्यू कारहेरा इलाके में पानी भर जाने के बाद सुरक्षित स्थान पर जाता है एक परिवार ट्रैक्टर से।